सत श्री अकाल जी, पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल्ला। एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास सुरखियां ते। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मध्य प्रदेश में जनसभा में किया है ऐलान। कहा पंजाब सरकार जल्द खरीदेगी पंजाब का एक निजी थर्मल प्लांट। पंजाब के खेतीबाड़ी मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने लुधियाना जिले के पिंड नारंगवाल और कोटली का किया दौरा। पैडी ट्रांसप्लांटर राही झोना लगाने की विधि की की समीक्षा। आम आदमी पार्टी की सरकार के बुलारे मालविंदर सिंह कंग ने तो बड़ा बयान किया। हिमाचल की कांग्रेस सरकार वालों चंडीगढ़ उपर दावे दलों सिरे तो खारिज कर दी है पंजाब सरकार। हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब सरकार पंजाब का एक प्राइवेट थर्मल प्लांट खरीदने जा रही है। इस गल की जानकारी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दी है। मध्य प्रदेश में जनसभा को संबोधन करदे उन्हें कहा कि पंजाब सरकार पंजाब का एक प्राइवेट थर्मल प्लांट खरीद रही है और जल्द ही इस संबंधी वेरवे जनता नाल सांझे किए जाएंगे। उन्हें कहा कि पैसे हासिल करने लई पिछलियां सरकारां दे सरकारी जायदादां वेचण दे रुझान दे उल्ट पंजाब सरकार ने कोला आधारित बिजली उत्पादन नूं वधाउण लई सूबे में एक प्राइवेट थर्मल प्लांट खरीदने लिए तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबा सरकार ने प्राइवेट प्लांट को खरीदने लिए बोली लगा दी है तो जल्द ही यह प्रक्रिया मुकम्मल कर ली जाएगी। उन्हें कहा कि इस नाल सूबे के बिजली उत्पादन वधा के वाधू बिजली पैदा करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस वेले लहरा मोहब्बत और रोपड़ विखे सरकारी मालकी वाले थर्मल प्लांट 1760 मैगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं जबकि इस पावर प्लांट की खरीद नाल इस पैदावार 540 मेगावाट का होर वाधा होगा। आज ही पंजाब में एक फैसला हुआ है। आज ही आमतौर पर सरकार आती है सरकारी अदारों को घाटे में दिखाकर प्राइवेट मित्रों को बेच देती है। जैसे एयरपोर्ट बेच दिए, सी पोर्ट बेच दिए, रेल बेच दी, भेल बेच दी, LIC बेच दी, घाटे में है अपने मित्रों को बेच दो। लेकिन पंजाब सरकार ने उल्टी गंगा बहा दी है। पंजाब सरकार आज ही फैसला लिया है एक घाटे में चल रहा प्राइवेट थर्मल प्लांट सरकार खरीद रही है कि हम चला के दिखाएंगे, हम इससे बिजली पैदा करके दिखाएंगे। ये काम करने आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था जब पार्टी बनाई थी, राजनीति करने नहीं सिखाने आए हैं। ये सब सीख जाएंगे, सब उतर जाएंगे नीचे। जो हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरते थे, सिर्फ हेलीकॉप्टर से बाय बाय करके कहते थे पब्लिक को वोट देना ही पड़ेगा, भाई साहब डोर टू डोर कर रहे हैं ना, डोर टू डोर। अब इनको विंडो टू विंडो ले आएंगे हम, विंडो टू विंडो। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा निर्देशों तहत किसान वीरां नूं घट खर्चे उत्ते वधेरे उत्पादन नूं यकीनी बनाउण दे मंतव नाल खेतीबाड़ी अते किसान भलाई विभाग के कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया वालों अज लुधियाना जिले के पिंड नारंगवाल अते कोटली का दौरा किया गया जिथे उन्हां पैडी ट्रांसप्लांटर राही झोना लगाउण दी विधि की समीक्षा की। इस मौके उन्हां दे नाल आम आदमी पार्टी के सीनियर आगू KNS कंग, मुख खेतीबाड़ी अफसर डॉक्टर नरेंद्र सिंह बैनीपाल तो इलावा सीनियर अधिकारी मौजूद सन। कैबिनेट मंत्री खुडिया वालों अगां वधू किसान तपेंद्र सिंह की शलाघा करदे कहा गया कि नौजवान किसान वालों पिछले 5 सालों तो पैडी ट्रांसप्लांटर राही झोने की बिजाई की जा रही है। उन्होंने अगे कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा निर्देशों तहत पिंड पिंड जाके किसानों नाल राबता करके उनके मुश्किलां सुनिया जा रही ने ते उनका तुरंत निपटारा किया जा रहा है। अज मैं नारंगवाल के खेतों में आया जिथे एक बिजाई है कंप्यूटर मशीन राही की जाती है। तृप्त सिंह जी जिहड़े इहनूं संभाल रहे हैं बहुत वधिया, जिहड़े जिथे वेख्या इन्हां दे बैड भी वेखे और गां झोना लगता भी वेख्या, बहुत खुशी हुई क्योंकि लोड़ है इस गल की। असी फसल का उत्पादन तो ही वधा सकते हैं जे सही ढंग तरीके नाल आ जाएंगे। इहदे विच्चों जमीन साढ़े कोल उन्नी की है, उहदे विच्चों ही असी वध फसलां कढ़णियां। सरदार भगवंत सिंह जी मान मुख्यमंत्री पंजाब उन्हां दी हदायत है मैनू मंत्री होण दे नाते कि जिथे खेतीबाड़ी दे लई किते भी कोई लोड़ हुंदी है उत्थे किसानां नाल जाके राबता करना, उन्हां दी लोड़
उन्हां दी राय और खेती विगानियां जिवें नाल साडे डायरैक्टर साहब भी है, चीफ साहब भी है, जिहड़े जॉइंट डायरैक्टर है वो भी नाल आए है, होर भी जिहड़े साडे खेतीबाड़ी दे महकमे दे और नाल बहुत सारे किसान भरा इकट्ठे होए आ। मैनूं बहुत चंगा लग्या, कई बार तो मुर्दाबाद ही सुनना पैंदा है, तो जदों इन्हां ने कहा भी सानूं पानी भी बड़ा टाइम नाल आ रहा है तो सब जिहड़ियां सहूलतां उह जिहड़ियां सरकार वल्लों बणदियां वो ठीक चल रही है, तो मैनूं इस गल ते बहुत तसल्ली है और मेरी ड्यूटी भी इस ड्यूटी निभाउण दे लई मैं किसान भरावां नूं भी कहा भी जो तुसीं सुनेहा दोगे आपां इहदे लई कुछ करन लई तुसीं मैनूं राय दोगे तो मैं खेती नीति भी बन रही है उहदे विच थोड़ा भी कई बार एक बहुत चाहे वह अनपढ़ बंदा भी होवे दी गल बड़ी काबिल हुंदी है, बड़ी मार्के दी हुंदी है, विज्ञानी तो लगे हुए है असीं सारिआं दी राय नाल। असीं चाहुंदे हां कि पंजाब दी खेती है जिहड़ी वो सैक्टर वाइज हो जाए, जिथे जिथे वधिया फसल हुंदी है जिहड़ी उहनूं धरती मंनदी है उहदे लई सरकारी सहूलतां दे के उहनूं प्रमोट करिए, उहदे च जो मशीनरी दी लोड़ आ उह वी देवांगे, होर कोई सबसिडियां उह वी देवांगे। अज इह वेखण लई आया सी, मैनूं चंगा लग्गिआ और फसलां भी सोहणियां, ये वेख के भी परमात्मा मेहरबान रहे असी इन्हां फसलां नूं संभाल लीए, चंगी रोटी खाइए, भाईचारे नाल रहिए, मेरी तां इही वाहिगुरू। मीडिया नूं लोकतंत्र दा चौथा थंब दसदिआं पंजाब दे सिहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई वाली पंजाब सरकार ने अजिहा माहौल पैदा किया है जिथे पत्रकार खुल के काम करदिआं बिना किसी बाहरी दखल के अपनी नैतिक जिम्मेवारी निभा सकते हैं। उन्हें कहा कि मीडिया ही है जो जमहूरीयत दीआं कदरां कीमतां नूं कायम रखण लई विधान मंडल कार्यपालिका ते न्यायपालिका उत्ते बाज अख रखदा है। मकसीपा विखे चंडीगढ़ पंजाब यूनियन आफ जर्नलिस्ट CPU जे दे 24वें सूबाई सालाना समागम विच मुख मेहमान वजो पहुंचे सेहत मंत्री वल्लों एक सोबिनार भी रिलीज़ किया गया। CPU जे भारतीय पत्रकार यूनियन तो प्रमाणित है। चंडीगढ़ पंजाब यूनियन आफ जर्नलिस्ट के 24वें सूबाई सालाना समागम का उद्घाटन करने उपरंत उन्होंने कहा कि समाज विचों नशियां ते होर समाजिक बुराइयां नूं खत्म करने लई सहाफत बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार का पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ उत्ते दावा बेतुका ते साजिश भरे आम आदमी पार्टी की अगवाई वाली मान सरकार इस अखौती दावे नूं सिरे तों खारज करती है। असी पंजाब दे हक्कां ते किसे वल्लों भी डाका मारन की कोई हरकत बर्दाश्त नहीं करांगे। इन्हां शब्दां दा प्रगटावा आम आदमी पार्टी दे पार्टी दफ्तर विचों एक बयान विच आम आदमी पार्टी के मुख बुलारे मालविंदर सिंह कंग ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार वालों चंडीगढ़ उपर जताए जा रहे दावे नूं सिरे तों खारज करदिआं कीता। उन्हें कहा कि पंजाब के पिंडां नूं उजाड़ के वसाई चंडीगढ़ उत्ते सिर्फ पंजाब दा हक है, पर अफसोस कि 20वीं सदी के 60वें दौरान जिस वेले केंद्र सरकार ने पंजाब के टोटे किए उत्थे चंडीगढ़ उत्ते हरियाणा दा हक पक्का करके पंजाब नाल धोखा किया। कंग ने अगे सवाल करदे हिमाचल सरकार के इंचार्ज अते पंजाब दे विरोधी धिर दे नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पूछा कि हिमाचल सरकार वालों की जा रही साजिशों में कि वह भी शामिल ने, कि प्रताप सिंह बाजवा इस मुद्दे उत्ते अपना स्टैंड स्पष्ट करनगे। 1993 बैच के IAS अधिकारी अनुराग वर्मा ने अज सूबे के 42वें मुख सकत्र का कार्यभार संभाल लिया। उन्हें नवा अहुदा पंजाब सिविल सकत्रेत मुख सकत्र वजों बीते दिन सेवा मुक्त हुए श्री विजय कुमार जंजुआ ते सीनियर सिविल अधिकारी की हाजिरी में संभालिया। इस तो बाद श्री दरबार साहब के दर्शन लिए अमृतसर पहुंचे। इस मौके उन्होंने गुरबाणी कीर्तन सरवण किया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सकत्र प्रताप सिंह, सूचना अधिकारी अमृतपाल सिंह, सरजीत सिंह ने सम्मानित किया। इस मौके नगर निगम के कमिश्नर संदीप ऋषि मौजूद रहे। दस दिए कि पटियाला अध्यापक परिवार में जन्मे अनुराग वर्मा को मुख सकत्र के मौजूद अहुदे के नाल प्रमुख सकत्र परसोनल विजिलेंस का वाधू चार्ज रहेगा। जेकर तुसी वाहनां उत्ते फैंसी नंबर प्लेट जां फिर तुहाडे वाहन उत्ते नंबर प्लेट नहीं लगी तां तुसी भारी जुर्माना भरन लई तैयार हो जाओ, क्योंकि पंजाब विच हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेटां लगाउण दी समां सीमा बीते दिन खत्म हो चुकी है। अज तो इस नूं सख्ती नाल लागू करना शुरू कर दिता। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेटां नूं चैक करन लई पटियाला विच विशेष मुहिम चलाई गई। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेटां ना होण उत्ते चलान कट्टे गए। बिना नंबर जां फैंसी प्लेटां लाए जाण उत्ते पहली वार फड़े जाण उत्ते जुर्माना 2000 रुपए, जेकर दोबारा फड़ा जांदा तां जुर्माना वध के 3000 रुपए हो जाएगा। जेकर फिर भी नियम तोड़े गए तो वाहन का नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। दस दिए कि पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के हुक्मों उत्ते ड्राइवरों को 30 जून तक की छूट दी सी। सवेरे 11 तो लगे तो 1:30 बजे तक नाका लग गया तो जिन्हें भी वो चलान कटे गए। सर की हिदायतें दी गई सी जेकर गल की जाए? साढ़े इंचार्ज साहब वालों हिदायतें सी अपना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेटा दी जिहड़ी भी नहीं है उन्होंने चलान कटे गए।
ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਸਰ ਸਵੇਰੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਇੱਧਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਬਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਗਾਉਣਾ ਹਰੇਕ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰੇਲੂ ਵਹੀਕਲ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਵਹੀਕਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਹੀਕਲ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਰੇਕ ਵਹੀਕਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਖਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰਦੀ ਭਾਖੜ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪੈਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੈਲੇ ਲਗਾਏ ਸਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਿਸਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਿਆ ਤਾਂ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ 15 ਪਿੰਡ ਲੋਹਾ ਨਗਰੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ 2-3 ਵਾਰ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਮੇਟ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ MLA ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਸਗੋਂ ਅਫਸਰ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਡੁੱਬੀ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੋਚੋ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਾਈਟੈਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 37 ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ 243 ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਪਟਿਆਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ SSP ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ SSP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਚੌਂਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਨਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਦੇਖੋ ਮਾਨਯੋਗ DGP ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੇਫ ਪਟਿਆਲਾ 3 ਫੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿਹਦੀ ਫੇਜ਼ 1 ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਤੇ 37 ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 243 ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ CCTV ਕੈਮਰਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਦਾ ਆ
आम तौर पर कई बार सानू प्राइवेट बंद आते हैं होर के कैमरे वेखने पैंदे सी, पर हुण सारा सिटी पटियाला जिहड़ा आ 243 कैमरे राही कवर्ड आ। इन्हां कैमरेज की क्वालिटी बड़ी वधिया आ, इहदे च जूम फीचर भी हैगा, नंबर प्लेट नूं भी रिकॉगनाइज़ करन दा फीचर हैगा आ। ते जे क्राइम डिटेक्शन वजों वेखीए ते पटियाला पुलिस नूं इक बड़ा वड्डा जिहड़ा सपोर्ट सिस्टम अज असीं क्रिएट कीता। मंडी गोबिंदगढ़ विच पुलिस वल्लों हथियारां दी नोक उत्ते लुट्टां खोहां करन वाले गिरोह दे दो मैंबरां नूं गिरफ्तार कीता गया। DSP अमलो जंगजीत सिंह ने प्रैस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन कीता, उन्होंने दस्सिया कि लुटेरे 23 जून नूं कमाणीदार चाकू उत्ते कपड़ा पा के पिस्टल होण दा डरावा दे के मंडी गोबिंदगढ़ अमलो रोड उत्ते रात समय एक गोदाम विचों लोहा स्क्रैप की तकरीबन 10 लाख रुपए की रकम लुट के फरार हो गए सन, जिसकी सूचना जसवीर सिंह ने पुलिस को दी। जिस उपरंत पुलिस ने वख-वख टीमां बना के जांच शुरू की, CCTV कैमरा की सहायता नाल इन्हां लुटेरों को काबू किया। DSP ने दसा कि लुट करन तो बाद लुटेरे दिल्ली चले गए सन, तो जदों वापस घर आए तो इन्हां नूं मंडी गोबिंदगढ़ पुलिस वालों गिरफ्तार किया गया। उन्होंने दसिया कि पुलिस वालों इस मामले में सलमान खान ते करणदीप नूं गिरफ्तार किया गया, तो इन्हां पासों लुट की रकम 7,70,000 रुपए ते 2 कमाणीदार चाकू बरामद किए गए हैं। कपूरथला की एक वीडियो सोशल मीडिया उत्ते वायरल हो रही है, जिस विच वेखा जा सकता है कि पुलिस मुलाजम एक सुनहरे की खिचतू करके उसनू उसकी दुकान विचों बाहर ले जा रहे हैं। इस मामले उत्ते पुलिस मुलाजम ने कहा कि एक सुनहरे को हिरासत में लिया गया, जिसने कथित तौर उत्ते एक स्नैचर तो सोने दी वालियां खरीदियां सी जो खोईया गई सी। उधर सुनहरे ने खुद को बेकसूर दसिया। पंजाब सरकार वालों माड़े अंसर से चोरी लुटां खोहां करने वाले व्यक्तियों को काबू करने चलाई गई विशेष मुहिम तहत फाजिलका पुलिस ने 2 व्यक्तियों को काबू करके 3 पिस्तौल 32 बोर से 9 कारतूस जिंदा ते कारतूसों के 6 खोल बरामद किए ने। इस संबंधी जिला फाजिलका के SSP अवनीत कौर सिद्धू ने पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने दसिया कि काबू किए गए मुलजमान का नाम खुशकरण सिंह और राहुल कारू है, जिन्होंने खिलाफ बनती कार्रवाई की जा रही है। पंजाबी खबरों के बुलेटिन फिलहाल नहीं जाते, नज़र मारद मौसम के हाल से बने रहो चढ़ती कला टाइम ट्यूब के। धन्यवाद।